नमस्कार, न्यूज़क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र से पैदल ही अपने गांव घर लौट रहे 14 प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत। देश भर में 24 घंटों में 3,390 नए मामले, 103 लोगों की मौत। गुजरात मॉडल का फ्लॉप शो। कोरोना काल में अब हर दिन की शुरुआत एक दुखद खबर से हो रही है। कल गुरुवार सुबह की शुरुआत विशाखापट्टनम गैस हादसे से हुई, तो आज प्रवासी मजदूरों की मौत। रोज सुबह कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े तो मिलते ही रहते हैं। आज शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रेल की पटरियों पर सो रहे कम से कम 14 प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि करमाट पुलिस थाने के तहत आने वाले क्षेत्र में सुबह 5:15 हुई इस दुर्घटना में 2 अन्य मजदूर घायल हो गए। करमाट पुलिस थाने के अधिकारी ने PTI को बताया कि मध्य महाराष्ट्र के जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे मजदूर अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि वे रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे। जालना से आ रही मालगाड़ी पटरियों पर सो रहे इन मजदूरों पर चढ़ गई। पुलिस अधिकारी संतोष खेतमल लास ने बताया, जालना में एक इस्पात फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर गत रात पैदल ही अपने गृह राज्य की ओर निकल पड़े थे। वे करमाट तक आए थे और थक कर पटरियों पर सो गए थे। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 14 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। इस समूह के साथ चल रहे 3 मजदूर जीवित बच गए, क्योंकि वे रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर सो रहे थे। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे यानी कल 7 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 8 मई सुबह 8 बजे तक 3,390 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से पीड़ित 103 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही राहत देने वाली बात यह सामने आई है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाली मरीजों की दर में बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटों में 1,273 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 56,342 हो गई है, जिसमें से अभी तक 29.36% यानी 16,540 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन 3.34% यानी 1,886 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 37,916 हो गई। ICMR द्वारा आज 8 मई सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 788 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 80,375 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। देश भर से आए नए मामलों में सबसे अधिक मामले 7 राज्यों से आए हैं, जिनमें महाराष्ट्र से 1,216, तमिलनाडु से 580, दिल्ली से 448, गुजरात 387, पंजाब 128, मध्य प्रदेश 114, राजस्थान 110 से नए मामले सामने आए। साथ ही उत्तर प्रदेश से 73, आंध्र प्रदेश से 70, उड़ीसा से 34, हरियाणा से 31, त्रिपुरा से 22, जम्मू कश्मीर से 18, तेलंगाना से 16, चंडीगढ़ से 15, कर्नाटक से 12, असम से 9, बिहार से 8, झारखंड से 5 और एक एक नया मामला हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से सामने आया। देश के 11 राज्यों में पिछले 24 घंटों में कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, पुडुचेरी, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली और मिजोरम शामिल है। एक तरफ जहां देश में लॉकडाउन खोलने की बात की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कथित गुजरात मॉडल घुटनों पर दिखाई दे रहा है। गुजरात में लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है। गुजरात में 6 मई को 300 से अधिक मामले सामने आए थे और 28 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद राज्य में लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने का फैसला लिया गया है। बोल के लब आजाद हैं तेरे के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा कथित गुजरात मॉडल का पर्दाफाश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। क्या आप जानते हैं कि ऐसे वक्त जब देश भर में लॉकडाउन को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, यह कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मजदूरों को रोका जाए ताकि वो बिल्डर्स का काम कर सके, जैसे कि कर्नाटक में हुआ, मजदूरों की मर्जी के बगैर वहां उनकी ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया, BS येदुरप्पा ने उनकी ट्रेन को कैंसिल कर दिया ताकि वो बिल्डर्स का काम कर सकें। एक ऐसे वक्त जब हम ये कर रहे हैं, गुजरात, जी हां, वो गुजरात मॉडल जिसके दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए थे, वो पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है, पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है। और यही नहीं, वो इस वक्त रिवर्स गियर में चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, और मैं आपके सामने एक बहुत अहम पड़ताल लेकर आ रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपके सामने इस मुद्दे की चर्चा करना चाहूंगा। ये खबर याद है आपको, बॉयज लॉकर रूम। दक्षिणी दिल्ली के कुछ 15 से 16
साल के लड़के थे जिन्होंने इंस्टाग्राम में एक चैट के दौरान यह कहा था कि किस तरह से उन्हें एक लड़की का गैंग रेप करना चाहिए। पूरा देश और सभी लोग उससे हैरत में थे कि आखिर पढ़े लिखे संपन्न घरों के लड़के इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। जी हां, इस तरह के दोहरे मापदंड की बात की जा रही थी। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चे घर में किस तरह की शिक्षा लेते हैं? घर में नेटफ्लिक्स, Amazon, इन तमाम जगहों पर किस तरह के कार्यक्रम देखते हैं? क्या आपने सोचा कि इनके बड़े भाई कैसे होंगे, इनके पिता कैसे होंगे? इसकी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। अगर मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि बॉयज लॉकर रूम में जो हुआ और जो मिसालें मैं आपको पेश करने वाला हूं, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे बड़े भाई या हमारे पिता इस तरह की जहनियत के होंगे तो क्या होगा। आपके सामने ये शख्स, इसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, फ्लॉप फिल्म्स बनाता है और मोदी सरकार की जय जयकार करता है। हालांकि 2014 से पहले ये मोदी भक्त बिल्कुल नहीं था। ये समझ गए कि 2014 के बाद अगर जिंदा रहना है और सरवाइव करना है और पैसे कमाने हैं तो भक्ति करना शुरू कर दो मोदी जी की। मैं आपको बताना चाहता हूं इस शख्स की जहनियत क्या है। और आप कल्पना कीजिए इस तरह का शख्स अगर आपका पिता हो, आपका बड़ा भाई हो। आपके सामने स्क्रीन्स। व्हाट मेक्स नैनो द सेफेस्ट कार फॉर वुमेन? नैनो आखिर औरतों के लिए सुरक्षित क्यों है? There is simply no way to get gang raped in here. क्योंकि नैनो का जो साइज है छोटा होता है, इसके अंदर लड़की का गैंग रेप नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? विवेक अग्निहोत्री। ये आदमी आज की तारीख में इस सरकार के लिए बाकायदा पत्रकारों को टारगेट करता है, सोशल एक्टिविस्ट को टारगेट करता है, JNU को गाली देता है, तमाम चीजें करता है। और इसकी भाषा देखिए, 2013 का इसका ट्वीट है। आगे देखिए, ये सीता, मां सीता के बारे में क्या कह रहा है। रावण भैया मुझे छोड़ दो, सीता टू रावण चैंट्स अ मंत्रा। ये इसके विचार हैं सीता मैया के बारे में। क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा करेगा? भक्तों, ये तो मां सीता को के बारे में इतना श्लील विचार रख रहा है। आगे देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल हु गॉट अप लेट टुडे। और यह तस्वीर देख के ही मुझे शर्म आ रही है। फिर आगे देखिए इसकी जहनियत में क्या है जो ये कह रहा है। सेक्सिस्ट बट फनी। 18 से 25 साल की लड़की फुटबॉल की तरह होती है, एक के पीछे 22 लोग। 26 से 35 साल की लड़की क्रिकेट बॉल की तरह होती है, एक के हाथ आती है, बाकी सब ताली बजाते हैं। मैं आगे पढ़ना भी नहीं चाहता दोस्तों। इस आदमी ने इतनी गंदी गंदी बातें ट्वीट की हैं और आज हमें इस बात को लेकर हैरत है कि आखिर इस देश के अंदर बॉयज लॉकर रूम जैसी चीजें क्यों हो सकती हैं। हमें इस बात को लेकर हैरत होती है कि निर्भया गैंगरेप जैसे घटनाक्रम क्यों होते हैं, जब रसूख वाले लोग, जब सत्ता के करीब वाले लोग बेखौफ इस तरह की बातें कर सकते हैं और सत्ता का हिस्सा हो सकते हैं तो क्या होगा। अब आगे देखिए, यह आदमी बीजेपी IT सेल का हिस्सा है, हरियाणा की बीजेपी IT सेल चलाता है। इसके विचार आप देखिए तो आपको शर्म आ जाएगी। सफूरा जरगर के बारे में यह अपशब्द कह रहा है। वो सफूरा जरगर जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, वो सफूरा जरगर जो कि गर्भवती हैं, वो सफूरा जरगर जिसके खिलाफ बीजेपी IT सेल ने इतना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। कपिल मिश्रा ने शर्मसार करने वाला ट्वीट किया और उसके बाद पूरी बीजेपी IT सेल एक के बाद एक इस औरत को टारगेट करने लगी। मैं नहीं जानता हूं इनकी इंसानियत कहां मर गई। देखिए आदमी क्या कह रहा है। अब ये 500 रुपए में 9 महीने का रिचार्ज किसने कर दिया? जो मांग रही थी आजादी, लेके लौटी आबादी। अब ये अरुण यादव कौन है? इन तीन तस्वीरों में देखिए, यहां इसे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आशीर्वाद मिल रहा है, यहां पर इसे हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद मिल रहा है और यहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल रहा है। इनके विचार देखिए। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सफूरा जरगर को टारगेट किया क्योंकि वो मुसलमान है, नहीं। इनके विचार उन तमाम महिलाओं के बारे में ऐसे ही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार से सवाल करते हैं। और क्या जानते हैं इस शख्स को कौन फॉलो करता है ट्विटर पे? मनोहर लाल खट्टर, कैलाश विजयवर्गीय, अमित मालवीय, ये तीनों चेहरे जो हैं इस आदमी को ट्विटर पर फॉलो करते हैं।
और ये बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख है हरियाणा के अंदर। मुझे हैरत नहीं होती क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार बीजेपी आईटी सेल के बारे में आपके सामने कार्यक्रम करते रहा हूं और मैं जानता हूं कि इन लोगों के जहन में सिवाय कचरे के, सिवाय कूड़े के कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस देश के अंदर निर्भया गैंगरेप जैसी घटनाएं क्यों होती हैं या बॉयज लॉकर रूम जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि यह है सोच इन लोगों की। इन्हीं से प्रेरणा पाकर 16-17 साल के बच्चे जो हैं इस तरह की बातें करते हैं। जी हां, औरतों के खिलाफ हिंसा को जायज बनाने का काम कर रहा है यह सोच, जायज बनाने की काम कर रही है यह विचारधारा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अंदर से राक्षस हो जाएंगे, हम अंदर से खोखले हो जाएंगे, हमारी आत्मा मर जाएगी और तब बहुत देर हो जाएगी। मगर तब तक आप अपने नफरत के अंदर मैरिनेट होते रहें, आप अपने जहर के अंदर उबलते रहें और इस ज्वालामुखी को अंदर पाल के न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी नुकसान करते रहें। जय हिंद। और अब हम दूसरे मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं और यह दूसरा मुद्दा है गुजरात मॉडल जो पूरी तरह से सुपर फ्लॉप हो गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है उसको लेकर चिंता जता रहे हैं। जी हां, मगर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान जो है गुजरात की तरफ कतई नहीं जाएगा क्योंकि गुजरात इस वक्त रिवर्स गियर पर है। आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में अब अगले 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होने वाला है और यह बहुत बड़ा लॉकडाउन है। जी हां, एक ऐसे वक्त जब देश में लॉकडाउन खुल रहा है कई जगहों पर, यहां पर यह हालत होती जा रही है, वो गुजरात मॉडल। जी हां, खबर क्या है? बढ़ते संक्रमण की वजह से अहमदाबाद में स्थानीय प्रशासन ने फैसला किया है कि सिर्फ दवाई की दुकानें और दूध के पार्लर्स खुले रहेंगे। इसके अलावा सब्जी की दुकानें बंद, फल की दुकानें बंद, किराने की दुकानें बंद, यही नहीं स्विगी और जोमेटो भी बंद हो जाएगा। आगे देखिए, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह भी फैसला किया है कि सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स अगले 48 घंटे में खुल जाएंगे वरना उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 7 प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित किया है ताकि वो इसका इलाज कर सकें। यही नहीं, आपके स्क्रीन पर अमित शाह से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह अपील की है कि कोरोना का इलाज करने के लिए विशेष डॉक्टर्स भेजे जाएं। ये क्या बता रहा है कि गुजरात में हालात बिल्कुल बेकाबू हैं। आपको याद है जब न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी कि किस तरह से केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा ये वो 3 राज्य हैं जो गरीब मजदूरों से पैसा ले रहे हैं, मगर गुजरात का बिल्कुल जिक्र नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके सामने ये सरकारी फरमान है और इस सरकारी फरमान में जो ये चीजें हाईलाइट की गई हैं गुजराती में, उसका मैं आपको अनुवाद करके बताना चाहता हूं। ये सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। राज्य सरकार ने आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त किया है ताकि वो राज्यों के साथ तालमेल बिठाएं। किनके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए, ताकि वो घर लौट सकें अपने पैसे पर। मुद्दा नंबर 1 क्या कह रहा है कि मजदूर अपने पैसे देंगे और इसके लिए राज्य जो है यानी कि गुजरात, वो अन्य राज्यों के साथ तालमेल बिठाएगा। मुद्दा नंबर 2, अश्विनी कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में हैं, उन्होंने कहा है कि जो मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं, उन्हें अपने टिकट्स खुद खरीदने होंगे। अब मैं आपको कुछ मजदूरों की आवाजें सुनाना चाहता हूं। अहमदाबाद मिरर ने इन मजदूरों से बातें की हैं और आप खुद इन मजदूरों से सुनिए ये मजदूर दरअसल कह क्या रहे हैं, सुनिए। अभी जा कहाँ रहे हो? जा रहे हैं बोलने की गाड़ी आगरा तक जा रही है। आप आगरा से कहाँ जाओगे फिर? आगरा से बांदा जाएंगे। अच्छा, वहाँ से कैसे जाते हैं? बस में जाते हो? हाँ, वहाँ से बस में। कितना दूर है वहाँ से? वहाँ से
500-600 किलोमीटर है। वहाँ 600 किलोमीटर है, तो अगर कुछ मिला नहीं तो वहाँ से क्या करोगे आप? पैदल जाएंगे। पैदल जाओगे? कितने दिनों के बाद आप घर जा रहे हो? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। यहाँ पे कितने टाइम से आप फंसे हुए थे? यहाँ 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने हो गए। यहाँ पे खाने का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था? खाने का प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, कहाँ पे आप काम कर रहे थे? नंदन डेयरी। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ से आप जा रहे हो, अभी आपको क्या सुविधा मिली है? पानी पिया थे, पानी भी नहीं मिला हम लोग को अभी तक। कब से आप लोग बस में आए हो? बस में हो गए 3 घंटे हो गए और अभी तक पानी नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, और कितने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं यहाँ से जाने के लिए? 250 रुपए। कल जो अचानक सिर्फ 24 घंटे का भी वक्त नहीं दिया गया था वहां के लोगों को कि अब तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पत्रकार जनक दवे ने ये तस्वीर पेश की है और इस तस्वीर में देखिए क्या बुरे हालात बन गए हैं अहमदाबाद के। लॉकडाउन की ऐसी तैसी हो गई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई है, यहां देखिए क्या हालात हैं। जी हां, ये हालात हैं अहमदाबाद के गुजरात मॉडल के। न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।